नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के मधु चौक से। दोस्तों, आप सभी को जानकारी दे दें कि त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर सतर्क होती हुई नजर आ रही है। मुख्य चौक यमुनानगर का मधु चौक माना जाता है, जिस पर अमूमन सारे जो है यमुनानगर का ट्रैफिक आता है जाता है, जगाधरी का ट्रैफिक आता जाता है, जिसको सुचारू रूप से चलाने का कर्तव्य जो है ट्रैफिक पुलिस का बनता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए एचएसओ लोकेश कुमार ने एक बार फिर से जो है अपना एक टीम चला दी। और टीम गठित करने के बाद जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उसको देखा जाएगा, देखने के जाने के बाद उनकी जांच की जाएगी। अगर उनकी जांच में आरसी कहीं ना कहीं अनियमित पाती जाती है तो उसका चलान कर दिया जाएगा। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और पूरे अपने दलबल के साथ एसएचओ लोकेश कुमार यहां पर निकल चुके हैं। और आज बल्कि मोटरसाइकिलों के साथ साथ गाड़ियों का भी जो है काफिला चेक किया जाएगा, और कोई भी जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो ऑन द स्पॉट उनके चलान काट दिए जाएंगे, नहीं तो फिर उसके बाद आरसी उनकी रख ली जाएगी और चलान उनके घर भेज दिए जाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, बातचीत करने का प्रयास करेंगे एसएचओ लोकेश कुमार से, क्या कुछ उनका कहना है। कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं, एक्टिवा के आगे नंबर नहीं था, जिसके बाद जो है भागते हुए नजर आए थे, जिसके बाद जो है एसएचओ लोकेश कुमार जी के द्वारा उन्हें खुद पकड़ लिया गया है, इसकी चलान किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पीछे भी कोई नंबर नहीं है, गाड़ी को काफी समय हो चुका है और गाड़ी को काफी समय के बाद आप सभी को बताएं एक बार फिर से एक्शन मोड में यमुनानगर का पुलिस प्रशासन सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य चौक है जो यमुनानगर का बताया जाता है, कि आप सभी से अनुरोध वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास करें, जिस गाड़ियों पर आरटीए की रजिस्टर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है उस गाड़ियों को भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद एक गाड़ी पहले और पकड़ी जा रही है, जिसका नंबर HR05A1H1478 की नंबर, और दूसरी गाड़ी का जो नंबर है ये भी जो है गाड़ी इसके जो है कागजात चेक किए जाएंगे। अगर मौके पर कागजात नहीं पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन पर भी कार्रवाई की जाएगी और आरसी देखते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और मौके पर चलान होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के मधु चौक से, सबसे व्यसम चौक माना जाता है, और सबसे व्यसम चौक के द्वारा सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया है जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चलाई गई है। आप सभी से अनुरोध, जो भी इस वीडियो को देख रहा है ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, आप सभी से अनुरोध। और जी हाँ, यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है आरसीज एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चलान की प्रक्रिया और चलान की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक दोबारे एक और गाड़ी रोक ली गई है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, सुचारू रूप से जो है आज ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद जो है पंजाब नंबर की एक गाड़ी है जिसको रोक लिया गया है। इसको रोकने के बाद इसके जाँच की जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का कर्तव्य बनता है कि किस तरीके से सुचारू रूप तरीके से जो है चल सके। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आरसीओं को पूर्ण तरह से जांचा जा रहा है, जांचने के बाद अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो अनियमितता के चलते उनको जो भी गाइडलाइंस में होगा, जो भी उनका फाइन बनेगा, वो फाइन जो है उनको देना होगा। आप सभी को बता दें ट्रैफिक पुलिस जो है एक बार फिर से एक्शन मोड में, सतर्क मोड में काम करती हुई नजर आई है, जिसके बाद जो है उनके चालान काटे जाएंगे अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मौके पर तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, चालान के इंस्पेक्टर्स भी मौजूद हैं जो चलान करते हुए नजर आएंगे। अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है, कोई भी गाड़ी के लिए कागज शॉर्ट्स पाए जाते हैं तो उनका चलान किया जाएगा, और चलान करने के बाद उनको ही सौंपा जाएगा। और एक लास्ट वार्निंग भी दी जाती है किस तरीके से आपको सारे पेपर्स लेकर साथ चलना। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से। आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार फिर से एक्शन मोड में जो है नजर आ रहे हैं ट्रैफिक पुलिस। तो जो आउटर जिलों की गड्डी है, आउटर जो है स्टेट्स की गाड़ियां हैं, जैसे कि राजस्थान नंबर की गाड़ी है, उसको जांचा जा रहा है। अमूमन बताया जाता है कि यमुनानगर के आसपास जो है काफ़ी जिले लगते हैं, काफ़ी जो स्टेट्स लगती हैं, उसके बाद अगर कोई भी ऐसी आपराधिक गतिविधियाँ ना हो पाए जिसके चलते जो है हर गाड़ी के कागजात को देखा जाएगा, हर गाड़ी के कागजात को देखने के बाद पूर्ण तरीके से यहाँ पर जाँच करते हुए जाँच अधिकारी सामने आ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो पंजाब नंबर की जो थार है महिंद्रा की, वो भी यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा पकड़ी जा रही है। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बताया जाता है कि किस तरीके से जो है तमाम गाड़ियों का जो है
गाड़ियों और कागजों की जांच करते हुए ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी आप लोग देख सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पहले जो है टू व्हीलर व्हीकल पर ही नकेल कसी जाती थी, लेकिन आजकल जो है कारों पर भी डिस्ट्रिक्ट में नकेल कसने के लिए SHO लोकेश कुमार सतर्क मोड में नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप सभी से अनुरोध, सबसे व्यसम चौक है यमुनानगर का मधु चौक। तो एक्शन मोड में एक बार फिर से जो है गाड़ियों के काफिलों की भी जांच करी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं SHO ट्रैफिक लोकेश कुमार जी, उनसे बातचीत प्रयास करेंगे कि दिल्ली के नंबर की गाड़ी की भी जांच की जा रही है, अगर अनियमितता पाई जाएगी तो उसका भी चलान किया जाएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं SHO लोकेश कुमार जी, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास, किस तरीके से एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस काम करी है ताकि ट्रैफिक की जो है व्यवस्था बनाई जा सके। नहीं आज नहीं, हम तो कंटिन्यू ही इस मुहिम में कंटिन्यू हैं और हमने आज भी 15 चालान किए हैं और हम कभी मधु पे, कभी अपना ये फुहारा चौक पे, कहीं मॉडल टाउन में, हमने लगातार कंटिन्यू इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। हम हमारी लोगों से अपील है कि आप लोग हमारा साथ दें। लाइट का जैसे लाइट है तो उसको क्रॉस मत करें, बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाए। भाई आप अपने ही शहर में अगर ऐसे करोगे तो फिर ट्रैफिक की व्यवस्था कैसे ठीक होगी। मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग हमारी मुहिम में जुड़ के और इसको एक अच्छा शहर बनाने की कोशिश करें। आप जितने भी रूल रेगुलेशन है उनको पूरा फॉलो करें। सर, किन किन गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है? आज हमने गाड़ियों की, कारों की चेकिंग की, मोटरसाइकिल की चेकिंग की और ट्रकों की चेकिंग की। हमने कंटिन्यू आज 15 चालान किए हैं और हमारी मुहिम अभी चल ही रही है और दूसरी जो हमारी गाड़ी है वो भी चालान पे लगी हुई है और हमने लगातार कंटिन्यू इसी मुहिम में रहेंगे। हम शहर की कोशिश करेंगे कि हमारा क्राइम कम से कम हो और क्राइम में हम चोरी तो होने ही नहीं देंगे। सर, CCTV कैमरे कहीं चौकों के काम नहीं कर रहे हैं सर, उनके लिए क्या कुछ आगे पॉलिसीज बनाई जाएंगी? वो तो सरकार का मुद्दा है, हमारा तो नहीं ना। तो हमें जितनी भी हमारी कोशिश है, हम तो लोगों से एक अपील और करते हैं, भाई आपके पास मोटरसाइकिल है, आप एक अच्छा लॉक लीजिए उसका भी, ताकि आप उस लॉक से आप अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल को अच्छी तरह से लॉक कर सके और ताकि चोरी ना हो। तो सर के पास बुलेट है, वो जो पटाखे मार के चला, हमने बुलेट वालों को, हमारी 29 मोटरसाइकिल, 25 मोटरसाइकिल हमारी इम्पाउंड हुई गाड़ी है बुलेट की, किसी ने छुटवाई नहीं आज तक। पटाखे वाली हमारी हमने थाने में खड़ी करा के, कुछ सिटी थाने में खड़ी है, कुछ ट्रैफिक थाने में खड़ी है। तो हमने तो कंटिन्यू इसको मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, भाई पटाखे नहीं पटकने देंगे, मोटरसाइकिल जो भी उसका साइलेंसर है उसको ही यूज करें, पटाखे वाली मोटरसाइकिल को जो यूज करेगा उसको सीधा इम्पोर्ट करेंगे, उससे फल तो कुछ। जिलावासियों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो अपील यही करता हूँ नगर वासियों से कि आप हमारी मुहिम में जुड़ के आप हमारा साथ दें। कोई मार दे चोट कार से एक्सीडेंट तो हमारा क्या बनेगा? ग्रीन लाइट को फॉलो, रूल्स को करना चाहिए। इवन पढ़े लिखे लोग नहीं करते, इस बात का मुझे दुख है। तो मैं चाहूँगा कि SHO सब स्कूलों में जाएं, वहाँ लड़कों को शिक्षित करें, बच्चों को ट्रैफिक रूल वायलेट, और एक बात इनको बुनियादी करा देनी चाहिए कि अगर रेड लाइट में चलोगे आपका चलान होगा, है नहीं। और फिर दूसरा ये है, कोई बच्चा जा रहा है, कोई बूढ़ा, जैसे हमारे सीनियर सिटीजन इतनी तेज बाइक दौड़ाते हैं, कई बार आदमी घबरा के टक्कर भी लगने का डर हुआ गिर जाता है। तो इसका स्पीड लिमिट विद इन सिटी शुड बी ऑब्जर्व, ये नहीं कि 60 किलोमीटर से बाइक ला रहा है। तो ये मेरा तो बताना चाहेंगे, ये थे मिस्टर विजय कपूर जो कि चेयरपर्सन हैं, और बता दें कि DAV पब्लिक स्कूल और DAV कॉलेजिंग कमेटी के, और काफी समय से जो है सामाजिक कार्यों में प्रयास कर रहा था। किस तरीके से एक्शन मोड में यमुनानगर की ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर से काम करती हुई नजर आई है, जिसमें बताया जा रहा था कि अगर कोई भी मन चले बुलेट के पटाखे फोड़ेंगे, अगर किसी के पास भी कोई भी डॉक्यूमेंट में अनियमितता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और आगामी कार्रवाई के लिए उनकी RC को जब्त भी कर लिया जाएगा। अगर प्रकार की जो है कार्रवाई पुलिस प्रशासन सटीक तरीके से करता है तो कहीं ना कहीं यमुनानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाना सुचारू रूप से अच्छा हो जाएगा। मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे B24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।